अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमल शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर हमने जितने भी पावर्स हैं और प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के तरीके और कैसे उसको हटाया जा सकता है वो चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी यूएस के बंदे या कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी है कि वो 3 क्वालिफिकेशंस पे पूरा उतरे। पहली चीज़ ये कि 35 इयर्स की मैक्सिमम एज हो, इससे कम एज का बंदा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए नहीं खड़ा हो सकता, ना ही वो इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरी शर्त ये है कि 14 साल से वो यूएस में रह रहा हो, ठीक है, 14 इयर्स की रेजिडेंस हो यूएस में। तीसरी शर्त ये है कि यूएस का बॉर्न नेचुरल सिटीजन हो, ठीक है, बाय बर्थ वो यूएस का सिटीजन हो तो वो यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है क्वालिफाइड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि आर्टिकल 2 है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करता है एग्जीक्यूटिव की पावर्स के साथ। हालांकि कांग्रेस जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, आर्टिकल 1 कांग्रेस की पावर्स के साथ डील करता है, लेकिन जो आर्टिकल 2 है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उससे मतलब डील करता है। इलेक्शन कैसे होंगे, टर्म क्या होगी, कितने साल के इलेक्ट होगा, फिर क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस क्या होगा, सक्सेशन के क्या प्रोसीजर्स होंगे, फिर इम्पीचमेंट कैसे होगी, मतलब अगर आपने प्रेसिडेंट को हटाना है उसकी सीट से तो उसको इम्पीच करना पड़ता है, तो इम्पीचमेंट का सारा प्रोसेस है। ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए होता है कोई केस अगर है ना प्रेसिडेंट के ऊपर चल रहा है कि उसने अब्यूज ऑफ पावर्स किया है या ट्रीजन चार्जेस लग गए, इंफॉर्मेशन लीक किया, तो फिर कांग्रेस में मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों में जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर किसी एक जो एलिगेशन के ऊपर 2/3 मेजोरिटी, किसी एक एलिगेशन के ऊपर 2/3 मेजोरिटी जो है वो वोट पड़ जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स बता दी गई, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर्स वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी पावर्स बता दी हैं उससे लिमिटेड नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट है स्पेशल कंडीशंस में उनको प्रैक्टिस कर रहा होता है, एक्सपैंड हो जाती है, इनहेरेंट पावर्स होती हैं। कांग्रेस समटाइम्स जो है वो पावर्स एक्स्ट्रा दे देती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है उनकी पावर्स आ जाती हैं, हम अब पावर्स देख लेते हैं। ट्रीटी पावर्स, ट्रीटी पावर्स में क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट है ना वो क्या कर सकता है कि ना कोई भी जो ट्रीटीज हैं उनको निगोशिएट कर सकता है अदर नेशंस के साथ, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो भी हैं वो इफेक्ट में नहीं आएंगे जब तक के प्रेसिडेंट उनका अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन करनी होती है सारी ट्रीटीज को। ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन करना होता है, लेकिन क्या है सेनेट में आप वो ट्रीटी बताएंगे कि मतलब जैसे प्रेसिडेंट है वो सेनेट में जो है उस ट्रीटी के हवाले से बात करेगा, उन्हें बताएगा, उन्हें कॉन्फ्रेंस में लेगा, फिर सेनेट में वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी अगर उस वोट पड़ जाती है उसको, ठीक है, मिल जाती है 2/3 मेजोरिटी, तो क्या होता है कि वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ट्रीटी अप्रूव हो जाएगी, तो सेनेट की अप्रूवल लाजमी चाहिए, चाहे प्रेजिडेंट निगोशिएट कर रहा है, साइन कर रहा है, लेकिन सेनेट को आगाह किया जाएगा अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट ने मतलब कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब प्रेसिडेंट ने कोई ट्रीटीज वगैरह निगोशिएट की सेनेट में, ठीक है, मतलब निगोशिएट कर ली अदर नेशंस के साथ, लेकिन सेनेट ने उन्हें डिसअप्रूव कर दिया, जिसमें मेरे पास एक एग्जांपल है ट्रीटी ऑफ वर्सायलीस। ये मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म करने के लिए जो है प्रेसिडेंट ने निगोशिएट की थी, ठीक है, लेकिन सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, वुड्रो विल्सन ने किया था, ठीक है, साइन ही नहीं कर सकता, मतलब ये साइन कर आया था लेकिन सेनेट ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था, तो अमेरिका इस ट्रीटी में नहीं था पहले, मतलब बाद में आया था लेकिन पहले नहीं था जब बहुत सारी नेशंस ने इसको साइन किया था। फिर दूसरा क्या केस है कि जिमी कार्टर ने सॉल्ट 2 ट्रीटी आर्म्स लिमिटेशन पे 1979 में रशिया के साथ साइन की थी, वो भी रिफ्यूज कर दी थी सेनेट ने। ठीक है, हालांकि निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेनेट उसको अप्रूव नहीं कर सकती तो वो नहीं करती तो वो लागू नहीं होती। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है लेकिन सेनेट के अप्रूवल के साथ वो पावर जो है वो प्रैक्टिस की जा सकती है। देन क्या है अपॉइंटमेंट पावर,
अब जितने भी हायर ऑफिशियल्स है ना, उनमें से तकरीबन 2000 पोजीशंस ऐसी हैं जिस पे प्रेसिडेंट जो है वो खुद अपॉइंटमेंट्स करता है, ठीक है, एम्बेसडर्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, फेडरल कोर्ट के जजेस को, और अपने जितने भी कैबिनेट के लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, उन सबको प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है, ठीक है। अब इसने क्या है कि मतलब 2000 पोजीशंस हैं जिन पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट्स करनी होती है, लेकिन यहाँ पर भी सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। सेनेट मतलब आप समझ लो कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेशंस देता है, ठीक है। नॉमिनेशंस देने के बाद सेनेट अगर उन नॉमिनेशंस को प्रूव कर देती है तो उन स्पेसिफिक सीट्स के ऊपर अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। अगर किसी एक बंदे को सेनेट अप्रूव नहीं करी तो उस सीट के ऊपर किसी और बंदे को नॉमिनेट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स करता है या मतलब नॉमिनेशंस देता है, सेनेट उसको प्रूफ कर देती है, ठीक है। सेनेटोरियल कर्टेसी प्रैक्टिस होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस भी देखे हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है। मतलब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जज था क्लेरेंस थॉमस, ठीक है, इसको नॉमिनेट किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, तो सेनेट इसको प्रूफ नहीं कर रही थी, ठीक है, सेनेट नहीं अप्रूव कर रही थी। और अभी जो है क्या नाम है, ट्रम्प के साथ भी इस तरह का केस हुआ है कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के दौरान एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना था, लेकिन उसके ऊपर कुछ केसेस थे, हैरेसमेंट के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस थे, तो उसकी वजह से सेनेट उसको प्रूव नहीं कर रही थी, ठीक है। तो समटाइम्स क्लैश आ जाता है, फिर वहां किसी और बंदे को नॉमिनेट करना पड़ता है, फाइन। समटाइम्स एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हुए भी इश्यूज आते हैं जो कि मतलब सेनेट अप्रूव नहीं कर रही होती, ठीक है। तो लेकिन पावर नॉर्मली किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ही इसको प्रैक्टिस करता है, नॉमिनेशंस देता है, और सेनेट यूजुअली यूजुअली अप्रूव कर देती है, फाइन। नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर्स में आप सबको पता है कि जी जितने भी बिल्स हैं उनको किसने साइन करना है, प्रेसिडेंट ने साइन करना है। अगर प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देता है, ठीक है, वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो जितने भी बिल्स हैं उनके ऊपर वीटो पावर प्रेसिडेंट की प्रैक्टिस होती है। अगर कांग्रेस ने एक लॉ पास करके प्रेसिडेंट के पास पहुंचा दिया बिल को, तो प्रेसिडेंट अगर उसे वीटो कर देगा तो वो लॉ नहीं बनेगा, ठीक है, वापस कांग्रेस में आ जाएगा। अब अगर कांग्रेस इस लॉ को 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है तो फिर जो है वो समझ लें कि वीटो ओवरराइड हो जाएगा और प्रेसिडेंट को उसे पास करना पड़ेगा, ठीक है, साइन करना पड़ेगा, वो लॉ बन जाएगा। फिर कुछ केसेस में ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी आते हैं, ठीक है, मतलब वो जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस होते हैं वो एक तरह से लॉ होते हैं, वो उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। फिर बाद में अगर कुछ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, 30 डेज का या 60 डेज का, उसके दौरान में अगर प्रेसिडेंट उन बिल्स को साइन कर दे, सॉरी, वो जो ऑर्डिनेंसेस हैं कांग्रेस उनको अप्रूव कर दे 2/3 मेजोरिटी से, या जितनी मेजोरिटी एक लॉ को पास करने के लिए चाहिए, तो वो लॉ बन जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी ये चीज प्रैक्टिस होती है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स में एक पावर ये भी है प्रेसिडेंट की कि हर जनवरी को, मतलब साल जब शुरू होता है जनवरी में, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाता है कांग्रेस का, जिसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों होते हैं, और उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एजेंडा समझाता है, सारा एजेंडा बता देता है कि पूरे साल में अपने क्या काम करना है, ठीक है। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है। देन क्या है, अदर स्पेसिफिक पावर्स। अब अदर स्पेसिफिक पावर्स में क्या है कि समटाइम्स क्या है, प्रेसिडेंट कांग्रेस का स्पेशल सेशन भी बुला सकता है और एडजर्न भी कर सकता है, ठीक है, अगर सेनेट एग्री नहीं कर रही किसी फाइनल डेट पर। तो सेनेट कोई डेट नहीं बता रही तो जो है प्रेसिडेंट खुद ही से एक स्पेशल सेशन बुला लेगा या एडजर्न कर देगा कांग्रेस को, ये पावर है इसकी। फिर मतलब अगर ये जुडिशियल पावर भी कह सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट बताने लगी हूँ, पावर ऑफ पार्डन, या ग्रांट टू ग्रांट मतलब पावर टू ग्रांट पार्डन्स। इसमें क्या है कि हाई ऑफिशियल क्राइम्स हैं, ठीक है, फेडरल क्राइम्स हैं, अगर कोई बंदा पकड़ा गया है तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस बंदे को माफी दे दे, ठीक है। अगर वो माफी दे देगा तो उस पर कोई भी केस नहीं चल सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट के अलावा कोई भी जो है वो गुना माफ हो जाता है, मतलब समझते हैं कि कोई भी जुर्म माफ हो जाएगा इनका। लेकिन क्या हुआ है, निक्सन, रिचर्ड निक्सन का दौर था, तो निक्सन ने क्या किया कि एक वाटरगेट स्कैंडल निक्सन का पकड़ा गया था,
ठीक है, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंसी में था वो बंदा, और वाटरगेट स्कैंडल पकड़ा गया था. अब इसकी इम्पीचमेंट होनी थी, ठीक है, और 100% चांसेस थे कि इसने इम्पीच हो जाना है. और अगर इम्पीच होता तो ट्रीजन चार्जेस लगने थे, और ट्रीजन चार्जेस लगते तो सीधी सीधी इसको फांसी होनी थी निक्सन को. तो इसने क्या किया कि अपनी प्रेसिडेंसी से इस्तीफा दे दिया. जब तो अपनी प्रेसिडेंसी से इस्तीफा दे दिया तो जेराल्ड फोर्ड जो थे वो सेनेट के चेयरमैन थे, या समझ लो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो प्रेसिडेंट बन गए. तो जेराल्ड फोर्ड के साथ इनके कुछ अच्छे रिलेशंस थे, तो इन्होंने अपनी पावर ऑफ पार्डन यूज करते हुए निक्सन को माफ कर दिया. ठीक है, अब जब निक्सन को माफ कर दिया तो उनके ऊपर वो इम्पीचमेंट के चार्जेस लगे ही नहीं. ठीक है, मतलब लगने वाले थे, और अगर लगते तो ये इम्पीच हो जाते. लेकिन निक्सन ने उससे पहले इस्तीफा दे के अपने आप को माफ करवा लिया, और वो माफ हो गए, जिसकी वजह से वो इम्पीचमेंट प्रैक्टिस ही नहीं हो सकी. ठीक है, अच्छा ये इनहेरेंट पावर्स क्या है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ. इनहेरेंट पावर्स में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से हम वो इन्फर कर सकते हैं. ठीक है, कि ये चीजें प्रेसिडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हो कि जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे, जो क्या नाम है, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई थी. ठीक है, और सबको यही कहा था कि आपने हर तरह के मसलों में न्यूट्रल रहना है. हालांकि जो है इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब इन्होंने लड़ी थी कुछ 10 साल पहले, 1775 या 1776 के दौरान जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और वो 82-83 में आके खत्म हुई थी, तो फ्रांस ने बहुत ज्यादा साथ दिया था अमेरिका का. ठीक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज्यादा साथ दिया था. लेकिन जब यूनाइटेड यूके की, यूनाइटेड किंगडम की और फ्रांस की जब लड़ाई हुई 1793 में, तकरीबन 10 साल बाद ही इनकी इंडिपेंडेंस के, तो जॉर्ज वॉशिंगटन की वसीयत के मुताबिक ये न्यूट्रल रहे. हालांकि फ्रांस ने इनसे मदद तलब की थी, और इनका मतलब समझ ले कि फर्ज बनता था कि उसकी मदद करें, लेकिन ये न्यूट्रल रहे. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें जो प्रेसिडेंट है ना, उसे सेनेट के एक्शन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, वो खुद से एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट साइन कर देता है. ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के, क्योंकि उस टाइम में मतलब समझ लें कि आप जेम्स मैडिसन आई गेस है उनका नाम, जिन्होंने लुइजियाना परचेज किया था अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए. ठीक है, लुइजियाना परचेज प्रैक्टिस किया था. हालांकि जब इन्होंने प्रैक्टिस ये की थी पावर, लुइजियाना को परचेज किया था, तो बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि फजूल में इतना बड़ा लैंड आपने परचेज कर लिया. लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो एक तरह से सोने की कान है, इतनी बड़ी जगह और मिनरल से रिच, और रातों रात अमेरिका का साइज डबल हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स का साइज डबल हो गया. तो प्रेसिडेंट ने खुद से प्रैक्टिस की थी ये पावर. ठीक है, इनहेरेंट पावर थी, ये कर सकते थे प्रेसिडेंट. अच्छा, फिर एक एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस भी है. ये क्या एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस के जो है, कोई भी मतलब समझ लें कि कैबिनेट के अंदर या एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर कोई भी काम हुआ है, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन डेवलप हुई है, तो प्रेसिडेंट मना कर देता है कि ये बात कांग्रेस और कोर्ट्स तक ना जाए. ठीक है, लीक ना. ठीक है, ये अब मतलब समझ लें कि अपना नेशनल इंटरेस्ट की चीजें होती हैं, या कुछ भी ऐसा होता है कि अगर लोगों को पता लग गया, या कांग्रेस को पता लग गया, या कोर्ट्स को पता लग गया, तो वो काम करने में रुकावट बन जाएंगे. ठीक है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला होता है, मिलिट्री सीक्रेट्स हो सकते हैं, या इस तरह की और चीजें हो सकती हैं जिससे लोगों को नुकसान हो. तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है कि एडवाइस करता है कि आप जो है इन अपने कैबिनेट को एडवाइस करता है कि जो भी चीजें उन्हें टॉप सीक्रेट रखना है, बाहर नहीं जाएंगे. तो ये सारी बातें क्या हैं, ये एग्जेक्टिव प्रिविलेजेस हैं. मतलब तो ये किस किस ने प्रैक्टिस की है, बिल क्लिंटन ने मोनिका लेविंस्की के साथ इनका कोई स्कैंडल था, उस दौरान में भी इन्होंने अपना एग्जेक्टिव प्रिविलेज यूज किया था बिल क्लिंटन ने. और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इसको प्रैक्टिस किया था. कब मतलब कुछ यूएस अटर्नी थे, उन पे मतलब आप समझ लें कि फायरिंग हुई थी, तो उस की इनको भी इन्होंने सीक्रेट रखा था. ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने. अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है, आप जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेस का. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि जब भी कोई जंग हुई है या पीस निगोशिएशंस हो रही हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि ट्रूप्स को भेज भी सकते हैं और बुला भी सकते हैं. ठीक है,
ट्रूप्स को कॉम्बैट के लिए भेज भी सकते हैं और बुला भी सकते हैं विदाउट कांग्रेशनल ऑथोराइजेशन, ठीक है, उनसे निगोशिएशन किए बगैर जो है इनको बुला सकते हैं. जैसे वो इतना वॉर में जो है प्रेसिडेंट ने क्या किया था कि ट्रूप्स भेज दिए थे कांग्रेस से परमिशन लिए बगैर, ठीक है, कांग्रेस से कंसल्ट लिए बगैर. तो कांग्रेस ने एक वॉर पावर एक्ट 1973 पास कर दिया था. उसे कहा था कि आप जो है या तो कांग्रेस से जो है अप्रूवल ले, फाइन, अप्रूवल ले सेनेट से, और अगर आप सेनेट से अप्रूवल नहीं ले रहे तो 60 दिन के अंदर अंदर जो ट्रूप्स भेजे हैं उनको वापस बुलाएं. वो इतना वॉर्स है, ठीक है. फिर ये 2-3 दफा इस तरह जो है वो इशू हुआ है कि प्रेसिडेंट ने अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए अपने ट्रूप्स उतार दिए, और उसके बाद कांग्रेस ने जो है उनको बुला लिया कि भाई ट्रूप्स वापस बुलाएं, हमारी तो उनके साथ पीस ट्रीटी है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में अभी हमारी तो अप्रूवल चाहिए, ठीक है. तो एक और दफा ये हुआ कि 2002 में इराक में इन्होंने फोर्सेस भेजी थी, हालांकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अपोज किया था, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसने वापस नहीं लिए ट्रूप्स, ठीक है, उसने वहीं अपने ट्रूप्स जो है वहां रखे और उसको लड़ाए, फाइन. इसके बाद क्या है, बहुत सारे ऐसे, मतलब ये इनहेरेंट पावर्स जो है, बहुत सारे ऐसे मामलात में जब आपको स्विफ्ट एक्शन लेना होता है तो प्रेसिडेंट को अलाउ करती है कि आप फॉरन सेलेक्ट जो है वो एक्शन ले लें, बाद में प्रेसिडेंट जो है वो, सॉरी, सेनेट जो है वो अप्रूव करती रहे नहीं करती रहे वो देखी जाएगी. तो इस तरह क्या हुआ है, इब्राहम लिंकन ने इस चीज को प्रैक्टिस किया था सिविल वॉर के दौरान, कि अपने ट्रूप्स लेके आगे आगे थे और हाफ स्टेट्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई की थी. फिर रूसवेल्ट ने भी इस पावर को प्रैक्टिस किया था ग्रेट डिप्रेशन और WW2 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में. फिर जॉर्ज बुश ने 9/11 के दौरान में ये पावर प्रैक्टिस की थी. तो ये पावर जो है ना, ये आप निकालते कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो, ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, लिमिटेड लेजिस्लेशन के थ्रू या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है. जैसे कि क्या हुआ था, रूसवेल्ट ने बहुत काम किया था जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो कह रही थी कि पावर इस्तेमाल ना करें, अब बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो कम्युनिज्म वाला सिस्टम आ गया, कैपिटलिज्म वाला सिस्टम नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि रूसवेल्ट ने बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर और ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट करती थी. अच्छा, डेलीगेशन पावर. अभी डेलीगेशन पावर क्या है कि कांग्रेस जो है ना वो अपनी कुछ पावर्स ना एग्जेक्टिव ब्रांच को दे देती है, डोमेस्टिक पॉलिसीज जो है उनमें, ठीक है, उसके एरिया में अपनी कुछ पावर्स एग्जेक्टिव ब्रांच को दे देती है. तो ये जो है ना पावर्स, डेलीगेशन पावर्स, फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट FDR ने अपनी प्रेसिडेंसी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की. इसने मतलब रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस को कि मुझे काम करने के लिए ना एक्स्ट्रा पावर्स की जरूरत है, तो मुझे एक्स्ट्रा पावर्स दी जाए. तो इन्होंने रिक्वेस्ट की तो इन्हें एक्स्ट्रा अथॉरिटी दे दी गई थी, ठीक है, जो कि मतलब उस टाइम पे चल रहा था ग्रेट डिप्रेशन और बहुत 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 बुरी हालत थी यूएस की ना, वहां समझ रहे कि कहत पड़ गया था, फेमाइन आ गया था, बिजनेस सबके ठप हो गए थे, और क्या हुआ था, एक और चीज, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी. तो FDR को लगा कि मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए, और कांग्रेस को भी लगा कि हमें देनी भी चाहिए, तो उन्होंने दे दी थी, और FDR ने बहुत ज्यादा यूज किया, और फिर कंट्री को निकाला भी ग्रेट डिप्रेशन से FDR ने. और FDR इज द ओनली प्रेसिडेंट जो कि 4 दफा US का प्रेसिडेंट बना है, FDR, ठीक है. MCQs में अगर आ जाए कि 4 टाइम्स कौन जो है वो सबसे ज्यादा टर्म के लिए कौन प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो FDR है. इवन कि ये 5th टाइम के लिए भी मतलब लोग चाह रहे थे कि यही हमारे प्रेसिडेंट हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. और सबसे अच्छी बात या मजे की बात आप समझे कि FDR वॉज क्या कह लें उसको, मेरे जहन से वर्ड निकल गया, क्या था, पैरालाइज थे, इनकी आधी बॉडी पैरालाइज थी, आप समझते हैं कि पोलियो के मरीज थे ये. तो और 4 टाइम उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली, और अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन और WW2 से निकाला, वर्ल्ड वॉर 2 से उन्होंने निकाला, ठीक है. तो इन्होंने अपने काम में क्या, टाइम में क्या किया कि कांग्रेस ने मतलब न्यू कैबिनेट के डिपार्टमेंट्स बना दिए थे, ठीक है, मतलब कैबिनेट के लिए नए डिपार्टमेंट्स बना दिए थे, और फेडरल एजेंसी में क्या है कि
ब्रॉड पावर्स मिल गई थी फेडरल एजेंसी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को फेडरल एजेंसी की तरफ से ब्रॉड पावर्स मिल गई थी ताकि जो मसले हैं एजुकेशन के, वेलफेयर के, एनवायरनमेंट के, वो सब के सब एड्रेस हो सकें. और वाकई उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था उस टाइम पे, एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए थे, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह लॉन्च की थी, और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मौके फ्राहम करने की कोशिश की थी. ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 20th सेंचुरी जो है उसमें प्रेसिडेंशियल पावर्स जो है वो कांग्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 20th सेंचुरी में. अच्छा, ये हमारे पास पावर ऑफ प्रेजिडेंट्स हैं. तो इसके बाद जो है हमारा